होम्योपैथी की मेडिसिन यूज कर रहा था, उस टाइम से जो है मैं आंवला खाना स्टार्ट करा है, एकदम से मेरा हेयर लॉस एक महीने के अंदर रुक गया था। ये मैं आपको वो नहीं बता रहा लाइक मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं, नेचुरल चीज़ है। अब इसको खाना कैसे है इसके ऊपर बात करते हैं। जब भी मैं सुबह उठता हूँ, किसी इंसान को खूबसूरत बनाने में ना सिर्फ उसका चेहरा ही मददगार होता है, अपितु चेहरे के साथ साथ बालों का खूबसूरत होना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करें आज के डेट में जो हमारी आज की जनरेशन है, ना सिर्फ इंडिया की अपितु पूरे वर्ल्ड की, तो अप्रोक्स ऑलमोस्ट जो जनता है, अप्रोक्स जो जनरेशन है, वो बालों की समस्या से ग्रसित है। इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाल पतले होने स्टार्ट हो गए हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रोक्स गंजा हो चुके हैं। अब देखो, बालों का झड़ना, बालों का पतला होना, ये बहुत डिफरेंट मैटर है। बाल कब झड़ते हैं, कब पतले होते हैं, यदि आप चाहते हो इसके ऊपर वीडियो बनाओ तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको हेयर फॉल के बारे में समझ में आ सके, हेयर थिनिंग के बारे में आपको समझ में आ सके। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आंवला के ऊपर, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंवला के बारे में, आंवला के फायदे के बारे में थोड़ा सा जो है टच करते हुए निकलेंगे, लेकिन आंवला खाना कैसे है और आंवला खाने के बाद कितना अच्छा रिजल्ट आता है इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए वीडियोज बनाने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ सोनू कुमार मिश्रा एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यदि मैं अपने बारे में बताऊँ तो आज से 2.5 साल पहले मैं बिल्कुल गंजा था, 21 साल की उम्र में 3-4 के बीच की बॉल्डनेस ग्रेड थी एंड मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मैंने अपने लाइफ को, मैंने अपने लुक को, मैंने अपना पर्सनैलिटी को, सबको एकदम से चेंज करके रखा हुआ है। यदि आप भी चाहते हो मेरी तरह बनना, देन डेफिनेटली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको किस तरीके से किया है, क्या क्या चीज़ें मैंने ली है, किन किन चीज़ों को मैंने फॉलो किया है, मैं आपको डिटेल में डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी सारी की सारी मेरी वीडियो जो है, जो मेरी जर्नी है, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ भी जाकर विजिट कर सकते हो एंड आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। और मैं बात करूँ आंवले के बारे में, आंवले में आपको पता है विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है, जो कि हमारे ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही जो है बेहतर होता है। और हमारा स्किन अच्छा रहेगा, देन डेफिनेटली हमारे बाल भी अच्छे और मजबूत रहेंगे। लेकिन इस आंवला को खाना कैसे, क्योंकि आंवला जो है कच्चा खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आंवले में जो है कड़वाहट होती है और कड़वाहट के साथ खाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं जो है डेली 2 आंवला खाता हूँ और ठंड के मौसम में मैं कंपलसरी डेली खाता ही खाता हूँ। अब इसको खाना कैसे है इसके ऊपर बात करते हैं। जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मैं कम से कम 2-3 गिलास गर्म पानी पीता हूँ। मैं कहीं बाहर भी गया तो वहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम मुझे 1 गिलास से गर्म पानी मिल जाए, बट मिल जाए जो कि मेरी वो हैबिट बन चुकी है, आदत बन चुकी है, एंड आदत को छुड़ा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यदि आपको किसी चीज़ की आदत बन जाती है उसके बिना रह पाना भी मुश्किल होता है। सेम चीज़ मेरे साथ गर्म पानी के लिए है। अब गर्म पानी पीने के बाद मैं 2 आंवला लेता हूँ। आपको भी किस तरीके से करना है, जिस तरीके से मैं करता हूँ, डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हो, बहुत आपके लिए बेनिफिट रहेगा। एंड आंवला में जितने भी तत्व होते हैं वो आपके बॉडी तक पहुँचेगा एंड आपके बॉडी को, आपके बालों को, आपके त्वचा को भरपूर मात्रा में फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले करना क्या, कोई भिगोना लेना है। भिगोने में वो पानी लेना है जो पानी आप पी सकते हो या फिर जो पानी आप पीते हो, चाहे वो बिस्लेरी का हो और वाटर हो, जो भी हो, व्हाटएवर, जो भी पीने योग्य पानी है वो आपको लेना है। एंड उसके बाद 2 आंवला लेना है, 2 आंवले को अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद जो है चूल्हे पे चढ़ा देना है एंड उन दोनों आंवलों को पीने वाले पानी में उबाल लेना है, अच्छे से उबालना है। और उबालने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। उबालने से होता है ये कि उसके जो कड़वापन है वो निकल जाता है पानी में, एंड कड़वाहट निकलने के बाद आपके पास 2 आंवला बचते हैं। उसको अच्छे से जो है अपना जो भी जैसे करना, जिस तरीके से कम्फर्ट हो खाने में, आप उसको प्लेट में रख के या फिर जो भी आंवला है प्रॉपर खाना चाहते हैं, अंडे वंडे खाते हैं उस तरीके से खाना चाहते हैं, उस तरीके से आप खा सकते हो। लेकिन आपको काले नमक के साथ या फिर आयोडीन नमक, जो भी नॉर्मल नमक होती है, उनके साथ भी आपको ये आंवला खाना चाहिए। मुझे जो है काला नमक उतना पसंद नहीं, मैं आयोडीन नमक के साथ ही इसको खाता हूँ। अब खाने के बाद आपको प्यास लगेगा। प्यास लगने के बाद जिस पानी में आपने उबाला है उस पानी को आंख बंद करके पी जाना है। मैं बहुत इजीली पी जाता हूँ क्योंकि मेरे को हैबिट हो गई है, लेकिन आप भी जो है डेली पीते हो एंड डेफिनेटली आपके जो भी पेट में जो भी गड़बड़ गुड़बड़ रहेगा, जो भी चीज़ें आंतवा, जो भी लिवर लिवर ऐसे कमजोर से हो रहे हैं, वो सब डेफिनेटली आपकी ठीक हो जानी है। सो ये आंवले को खाने को फायदा है। उबालने को उसकी कड़वापन खत्म हो गई, बड़े प्यार से आप नमक के साथ खा सकते हो, बहुत आपको मजा आएगा। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आंवला खाना स्टार्ट करते हो कुछ ज़्यादा खाने का मन करेगा,
6, 7, 8, 9 तो उससे आपको नुकसान ये हो सकता है कि आपको सर्दी या जुकाम की समस्या हो सकती है और भी कुछ देर के लिए, तो उसको जो है आपने मैनेज कर लेना है। आपको ज्यादा नहीं खाना, 1 या 2 आंवला आपको डेली खाना ही खाना है, ठंड के मौसम में तो डेफिनेटली खाना है। अब आंवला किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, आपको जो है मान लो हाई ब्लड प्रेशर का जो है शिकायत है, आपको उस केस में आंवला नहीं खाना चाहिए। आपको जो है जुखाम वगैरह रहता है, नजला वगैरह रहता है, आपको उस केस में भी नहीं खाना चाहिए। मैं बात करूं आंवले के फायदे के बारे में, आंवले का इतना फायदा है कि वो आंवले के अंदर इतनी शक्ति है कि वो कैंसर के सेल्स को मारने की भी क्षमता रखती है, मतलब कैंसर के सेल्स को भी आंवला जो है मार सकती है। आपके पाचन तंत्र को आंवला बहुत अच्छे से ठीक कर देती है। यदि आपका पाचन तंत्र ठीक हो गया तो आप जो भी खाना खा रहे हो उसका भरपूर मात्रा में, जो भी खाने में प्रोटीन हो, फाइबर हो, या फिर वाइटमिन हो, मिनरल्स हो, जो भी चीज़ें हैं, कार्ब्स हो, वो आपके बॉडी में जो है अच्छे से लगेगा एंड आपके बॉडी को जो भी चीज़ चाहिए भरपूर मात्रा में वो मिलता रहेगा। तो आंवला तो आपको खाना ही खाना चाहिए, उसमें वाइटमिन सी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। एंड डेफिनेटली आप एक रूटीन बना लो कि आपको आंवला डेली 1 या 2 आंवला खाना है। कच्चा खा सकते हो, वेलन गुड, उबाल के खाओ, मैं भी उबाल के खाता हूँ, पानी उसका पी जाओ, तो जितने भी तत्व आंवला के हैं सारे सारे आपके बॉडी के अंदर। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपको अपने बाल बचाने हैं देन डेफिनेटली आपको आंवला का सेवन करना चाहिए। आंवला के सेवन के बाद जो है मैं आपको अपनी बात बताऊँ, जब मैं होम्योपैथी की मेडिसिन यूज़ कर रहा था उस टाइम से जो है मैं आंवला खाना स्टार्ट करा है, एकदम से मेरा हेयर लॉस 1 महीने के अंदर रुक गया था। ये मैं आपको वो नहीं बता रहा, लेकिन मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं, नेचुरल चीज़ है। देन डेफिनेटली आपको आंवला में सजेस्ट करूँगा, आपको खाना ही खाना चाहिए। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो गरीब हैं जिनको लाइक ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते अपने बालों को, उनको जरूर शेयर करना, क्योंकि आंवला मार्केट में 40 से 50-60 रुपये किलो मिल जाता है, 250 ग्राम आंवला ज़्यादा नहीं लेना है। एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नया नया इन्फॉर्मेटिव वीडियोज बनाने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।